नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। टीवी की प्रीति जिंटा कही जाती थी एक्ट्रेस, सपने सुहाने लड़कपन के से हुई फेमस, 8 साल बाद पहचानना हुआ मुश्किल। अगर आप टीवी सीरियल देखने के शौकीन हैं तो आपने यकीनन सपने सुहाने लड़कपन सीरियल जरूर देखा होंगे। शो में गुंजन का किरदार निभाकर घर घर में पॉपुलर हुई रूपल त्यागी भी आपको याद ही होंगी। रूपल अपने हाव भाव, आवाज़ और गालों में डिम्पल के कारण छोटे पर्दे की प्रीति जिंटा कही जाती थी। 16 साल की उम्र में रूपल बेंगलुरु में सपनों की नगरी कहे जाने वाले शहर मुंबई चली आई। हालांकि काफ़ी समय से रूपल छोटे पर्दे से गायब। चलिए आपको बताते हैं आखिर बदल गया सपने सुहाने लड़कपन के गुंजन का लुक। टीवी एक्ट्रेस और कोरियोग्राफर रूपल त्यागी ने अपनी एक्टिंग से कुछ ही समय में लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। हालांकि पिछले काफी समय से रूपल छोटे पर्दे से गायब है। रूपल त्यागी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत हिंदी टीवी सीरियल हमारी बेटियों का विवाह से की थी। इस सीरियल में उन्होंने मनीषा कोहली की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा रूपल ने कुछ और टीवी शो कसम नहीं, छोटी सी जिंदगी और सपने सुहाने लड़कपन के भी अपनी अदाकारी के जादू बिखेरा। एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ रूपल त्यागी बहुत अच्छी डांसर भी है। उन्होंने रियलिटी टैलेंट शो झलक दिखलाजा के 8वें सीजन में हिस्सा लिया था। इसके अलावा रूपल बिग बॉस सीजन 9 में कंटेस्टेंट के तौर पर भी नजर आ चुकी हैं। रूपल त्यागी ने भूलभुलैया के गाने मेरे ढोलना पर बॉलीवुड कोरियोग्राफर पोनी वर्मा को असिस्ट किया था। विद्या बालन और शाहिद कपूर जैसे स्टार्स के लिए भी रूपल त्यागी कोरियोग्राफर कर चुकी है। हालांकि अपने बॉयफ्रेंड अंकित गेरा से ब्रेकअप के बाद रूपल गई थी। इसके बाद रूपल को जिंदगी में मुश्किल भरे फेज का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में।